नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। भारतीय दलित पंथर कानपुर नगर इकाई के तत्वाधान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा स्थल कंपनी बाग चौराहा नवाबगंज से डॉक्टर अम्बेडकर धर्म चेतना वाहन जुलूस रैली का आयोजन किया गया। अम्बेडकर चेतना रैली में चार पहिया तीन पहिया वाहन व सैकड़ों की संख्या में दो पहिया वाहनों के साथ अम्बेडकर अनुयायियों ने शिरकत की। अम्बेडकर धर्म चेतना वाहन रैली कंपनी बाग चौराहा नवाबगंज से प्रारंभ होकर आर्यनगर चौराहा स्वरूप नगर मोती झील ईदगाह बकर मंडी चुनीगंज ग्वालटोली चौराहा कानपुर कचहरी रोड होते हुए नाना राव पार्क अम्बेडकर प्रतिमा स्थल फूलबाग पर समाप्त हुई। रैली जुलूस समाप्त होने के उपरांत कार्यक्रम के संयोजक एवं भारतीय दलित पैंथर के प्रांतीय अध्यक्ष पैंथर धनीराम बौद्ध ने आए हुए जन समूह को संबोधित करते हुए बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कृषि मंडी समिति पुखराया कानपुर देहात में 31वें विशाल बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह एवं अम्बेडकर मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महान सम्राट महामानव रावण सम्राट अशोक तथागत गौतम बुद्ध व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शोभा यात्रा निकाली जाएगी व लगभग 10,000 लोगों को हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई जाएगी। भारतीय दलित पंथर के प्रांतीय सचिव एडवोकेट विजय सागर ने बताया कि अंबेडकर मेले में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मुख्य वक्ता पल्लवी पटेल, विशिष्ट अतिथि निर्देश सिंह व अध्यक्षता शूद्र शिवशंकर राज सिंह यादव एवं अन्य विशिष्ट गणमान्य अतिथिगण विभिन्न प्रदेशों व जनपदों से कार्यक्रम में शिरकत करने आएंगे। कृषि मंडी समिति पुखराया कानपुर देहात से विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी जिसमें लगभग 20,000 लोगों के शिरकत करने की संभावना है। इसके अलावा रात्रि में डॉक्टर बाबा साहब पर आधारित नाट्य मंचन व विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर धर्म चेतना रैली में प्रमुख रूप से प्रेमी जी बौद्ध, सैयद तौफिक अहमद, पास्टर जितेंद्र सिंह, अशोक गौतम, वैज्ञानिक कोमल सिंह, पंकज जायसवाल, डॉक्टर संजय गुप्ता आदि मौजूद रहे। हम बाबा साहब ने जो कहा था कि भारत को बौद्ध में बनाने का संकल्प लेते हैं, कुछ लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम लोग 10,000 लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा 12 अक्टूबर को पोखराण की धरती पर लेंगे और हमारी मिशन है कि भारत में बौद्ध मठ बनाने का संकल्प है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कल्पना की जा रही है उसके पीछे एक मंशा है कि आगे घड़ा और पीछे झाड़ू बांधी जाए, इसको किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।